बॉलीवुड वाले कुछ ज्यादा फनी नहीं हो रहे आजकल, इनको मूवी में बोल दो कि भैया कॉमेडी करना, वहाँ इनके हाथ पैर नीले पड़ जाते हैं और यहाँ करने इनको कॉमेडी में। बात कर रहा हूँ आलिया भट्ट की। मैंने बीच में सोच लिया था कि मैं इसको कुछ भी नहीं कहूंगा, सबसे पहले तो ये थोड़ा ना अपने रणबीर भाई साहब से जब से इन्होंने ब्याह किया है मेरा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो गया इनके लिए। रणबीर इज द गाय जो एक्टिंग में तो पीछे नहीं है, कम से कम इज ए नेपो किड आई नो, बट एक्टिंग कॉन्टेंट वाइज इज गुड। शमशेरा को थोड़ा छोड़ के बात करते हैं दोस्तों, तो अब मुद्दे पर आते हैं आलिया भट्ट पर। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जो कि इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रही है। कोई शादी या फंक्शन आया, डोंट नो, मेरे को वहां पे इनवाइट नहीं किया किसी ने, बट देयर इज अ गाय, ही इज इन येलो जैकेट, थोड़ा वाइब्रेंट शाइनी सा एंड अच्छी सारी बियर्ड, और भाई पीछे बड़े बड़े बाल और थोड़ा हाइट वाइट भी अपना यस भाई जैसा, और ढोल पीट दे रहा बहुत बुरे से। और काफी लोग शेयर कर रहे हैं कि रोकी भाई इज इनटू न्यू बिजनेस, योकी भाई को क्या हो गया, रोकी भाई लाइट वर्जन। अरे तुम किस आदमी की बात कर रहे हो भाई, उसने नए इंडिया को, मॉडर्न इंडिया को, जेन जी को स्वैग देना सिखाया है कि ऐसे बियर्ड रखते हैं बाबा, ऐसे चलते हैं, ऐसे बनती है फिल्में। चलो ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया जो आलिया भट्ट, उन्होंने स्टोरी लगा दी जो लिखा वो गलत था। तुम्हारा रोकी भाई, भाई है हमारा रोकी भाई, कल्लो क्या करोगे तुम, तुम्हारी उस बूढ़ी डाइन करण जौहर से तो ठीक ही है, और एक और तुम्हारे पास नल्ला पाओ क्या नाम उसका, अर्जुन कपूर, उससे ज्यादा सीधे तरीके से बतख चल लेते हैं, उससे नहीं चलना आ रहा, और तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा रोकी भाई। चलो मान लिया हमारा रोकी भाई है, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने मात्र 8 से 10 मिनट में स्टोरी ही डिलीट कर दी। शायद ऐसा हुआ होगा जिस तरीके से ढोल बज रहा था ठीक उसी तरीके से रोके भाई के फैंस ने इनको बजा दिया होगा। बाकी देखिए इंटरनेट वाली ना, ये मेरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, गालियां वालियां जो गाली देनी आप मेरे को दो, कमेंट बॉक्स में मैं सहन कर लूंगा, लेकिन किसी औरत को गाली देना महापाप, तो इस वीडियो के बाद जाके उसको धोप मत देना तुम। बाकी यार कुछ भी कहो, देखो अपने रोकी भाई का तो जलवा सबसे अलग ही है, और अभी जलवा और आएगा। अभी KGF 3 की जो अनाउंसमेंट आई वहां तो बताया गया कि 3 साल लग जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और मूवी आ रही है उनकी, और सुनने में आया है कि एक मूवी वो पीरियड ड्रामा कर रहे हैं, एक में नेवी ऑफिसर बने हैं और एक साइंस फिक्शन है। तो जो भी इंडिया में पहले आ रही है वही तबाही मचा दे रही है, इस बात की मेरी गारंटी है। बाकी यू गाइज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कौन सी मूवी सबसे बड़ी हिट होगी, पीरियड ड्रामा, नेवी ऑफिसर या फिर साइंस फिक्शन। KGF 3 को साइड में रखते हैं क्योंकि इट्स ऑलरेडी अ ब्लॉकबस्टर। चलो बाय, मिलता हूँ बहुत जल्दी, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, तब तक अलविदा।